तो फ्रेंड्स यहाँ पर सीटेट जुलाई 2019 जो कि परीक्षा होनी है 7 जुलाई 2019 को, तो इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हालांकि आज 7 फरवरी है और ये नोटिफिकेशन 4 फरवरी को शाम को ही आ गया था। 5 फरवरी से लेके 5 मार्च के बीच में ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, 8 मार्च तक आप अपनी फीस को जमा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं वो चीजें आपको बताने वाला हूँ। ऑलरेडी अगर आपने गंभीरता से इस नोटिफिकेशन को देख लिया है और आवेदन कर चुके हैं आप, तो फिर आप इस वीडियो को मतलब स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है और नोटिफिकेशन को आपने ध्यान से नहीं देखा है तो वीडियो को ध्यान से देखिए और उसके बाद ही आप आवेदन करें, तो यह आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। देखिए यहाँ पर जो पूरा परीक्षा कार्यक्रम है वो भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर डेट्स को अगर हम देखें तो 5 फरवरी से लेके 5 मार्च के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। एक ही फॉर्म भरिएगा, 2 फॉर्म कतई भी मत भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर आप एक से अधिक आवेदन करते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा और भविष्य में भी आपको इस परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो बस आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि एक ही फॉर्म आप भरेंगे, 2 फॉर्म आप कतई भी नहीं भरेंगे। उसके बाद यहां पर अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है और अगर आपने फीस सबमिट कर दी है तो इसके लिए यानी कि करेक्शन के लिए 14 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। आपके फॉर्म का फाइनल स्टेटस क्या है ये आप 25 मार्च से देख सकेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम डेट के बारे में ऑलरेडी आपको पता ही होगा, मैंने शुरू में ही बता दिया था, जो एग्जाम होगा वो होगा 7 जुलाई को, ठीक है, 7 जुलाई को परीक्षा होनी है और इसके बारे में भी कार्यक्रम पूरी तरह से जारी हो चुका है। 7 जुलाई को जो पेपर 1 होगा वो 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा और 12 बजे परीक्षा खत्म होगी, 2.5 घंटे का पेपर होगा। पेपर 2 के लिए 2 बजे से एग्जाम शुरू होगा और 4:30 बजे पेपर समाप्त हो जाएगा। हालांकि एग्जामिनेशन हॉल में पेपर 1 के लिए 8 बजे से और पेपर 2 के लिए 12:30 बजे से प्रवेश स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ नोटिफिकेशन को देखते हैं और जो भी चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो सारी चीजें मैं हाईलाइट करके आपको दिखाने वाला हूँ, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। हालांकि आगे मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप की फॉर्म को कैसे आप फिल कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी अगर आप फिल कर चुके होंगे तो फिर आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहली बार जो लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उनको एक बात का ध्यान देना होगा कि पासवर्ड उन्हें बनाना पड़ता है और पासवर्ड जो होगा वो 8 से 13 करेक्टर का होना चाहिए, ठीक। और फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक पासवर्ड दिखा देता हूँ, इससे मान लीजिए मेरा नाम ज्ञान है तो यहाँ पर जी को मैंने जो है क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया है, बाकी को मैंने यहाँ पे स्मॉल में ले लिया है, YAN को, एक स्पेशल करेक्टर है यहाँ पर A, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। फिर हमने कुछ डिजिट ले लिए हैं 1, 2, 3, 4, आप इसको कुछ भी दे सकते हैं। तो कुल मिला के 8 अंक या उससे अधिक का होना चाहिए, लेकिन 13 अंक से कम का आपका पासवर्ड होगा ये होना चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा जब आप पासवर्ड बना रहे हो तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको फोटो अपलोड करना है उसके बारे में भी जान लीजिए, फोटो और सिग्नेचर दोनों को अलग अलग अपलोड करना है, ये जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होगा। जो फोटो की साइज होगी वो 10 KB से लेके 100 KB के बीच में होनी चाहिए और इसकी जो साइज होगी वो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो आपका सिग्नेचर होगा वो 3 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना जो है सिग्नेचर और फोटोग्राफ को स्कैन करके रख लेंगे अपने सिस्टम में और उसके बाद ही इसे आप अप्लाई करेंगे। देखिए इसके लिए आप पेंट जो पीसी में होता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आप पेंट को इस्तेमाल करके ये जो डिजायर्ड साइज है उसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है एग्जामिनेशन फीस के बारे में, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एक पेपर अगर आप भरते हैं केवल तो जनरल और ओबीसी को मात्र 700 रुपए, दोनों पेपर के लिए 1200 रुपए और एससी एसटी और डिफरेंशियली एबल्ड जो हैं, दिव्यांग हैं, उन्हें एक पेपर के लिए पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई भी एक पेपर तो 350 रुपए, दोनों पेपर के लिए 600 रुपए की फीस उन्हें देनी होगी। फीस को आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी, इसके अलावा सिंडिकेट बैंक या फिर कैनरा बैंक का ई चालान बनाकर भी आप जमा कर सकते हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा
कि फाइनल प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि फाइनल प्रिंट आउट और जो आपका फीस का रिकॉर्ड है ये दोनों चीजें भविष्य में आपके लिए काम आ सकती है। तो दोनों का फाइनल प्रिंट आउट लेके या फिर इसकी पीडीएफ बना के सुरक्षित जगह सेव कर लीजिएगा। अब एक बात का ध्यान यहाँ पर और भी दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि कैंडिडेट शुड इंटर हिज हर पार्टिकुलर्स दैट इज नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट। तो कक्षा 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने सारे पार्टिकुलर्स यहाँ पर भरने होंगे। वेबसाइट तो आपको पता ही है ctet.nic.in है। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए आप कोई गलती कर बैठते हैं तो उसके लिए आप 14 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में आप चीजों को बदल पाएंगे, यानी कि करेक्शन को कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या क्या चीजें आप चेंज कर सकेंगे, तो अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी डिफरेंसली एबल्ड कैटेगरी और पेपर ऑप्टेड। मान लीजिए आपने कोई गलत पेपर चुन लिया है तो पेपर वन या पेपर टू दोनों में से चेंज कर सकेंगे। सब्जेक्ट फॉर पेपर सेकेंड और फर्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर, लैंग्वेज वन एंड और लैंग्वेज टू ऑप्टेड, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग एंड द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर ही सी हैज ऑप्टेंड हिज हर बीएड डिग्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ETC। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप बदल पाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप कुछ चीजों को नहीं बदल पाएंगे, जैसे कि जो ईमेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर आप वहां पे डालेंगे। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी मोबाइल नंबर आप प्रयोग में लाएं तो उसको कम से कम जब तक सीटेट का फाइनल जो है रिजल्ट नहीं आता है तब तक उसे प्रयोग में रखें, उसे जिंदा रखें। दूसरी बात यह है कि आगे चलकर उसी मोबाइल नंबर से आपको डिजी लॉकर का अकाउंट भी बनाना होगा, और डिजी लॉकर का जो अकाउंट होगा उसमें ही आपको सीटेट की जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट वो प्राप्त होती है। अगर आप किसी दूसरे नंबर से बनाते हैं तो फिर आपको सीटेट जो यूनिट है उससे आपको संपर्क करना पड़ता है। तो सबसे बेहतर बात ये होगी कि आप चीजें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को बहुत ही सोच समझ कर, यानी कि बिल्कुल सही सही भरें, उसमें गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कोई भी सुनवाई आगे नहीं होनी है। ये एड्रेस दिया गया है करेस्पॉन्डेंस के लिए, इसको आप नोट करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर जाकर बात भी कर सकते हैं। हालांकि 9 बजे से लेके 5 बजे के बीच में अगर आप कॉल करेंगे 2-4 बार तो कॉल लग जाती है। ईमेल करने के लिए आप ctet@cbse.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मैं दोबारा से बता देता हूँ, कन्फर्मेशन पेज और चालान की जो कॉपी होगी या जो फीस की डिटेल होगी उसको आप संभाल कर रखिएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी और भविष्य में आपके लिए बहुत ही काम आने वाली। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। और एलिजिबिलिटी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं पेपर वन में, ये तो आपको पता ही होगा, पिछली बार से ही ऐसा हो रहा है। और बाकी जो भी एलिजिबिलिटी है इसको ध्यान से देखिएगा और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आपको क्रम, यानी कि नंबर कौन सा डालना होगा और किस ऑप्शन को आपको ऑप्ट करना है। यानी कि जो लोग बीएड के आधार पर पेपर वन में अपीयर होना चाहते हैं तो उनका ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है। देखिए ये बात यहाँ पर जनरल के सापेक्ष कही जा रही है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं या एबल्ड में आते हैं, यानी कि आप दिव्यांग हैं, एससी एसटी ओबीसी और जो डिफरेंशियली एबल्ड हैं, तो उन्हें ग्रेजुएशन में 5% की छूट मिलती है। मतलब 45% भी अगर आपका है और आपने बीएड किया हुआ है तो आप पेपर वन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर टू के बारे में तो निश्चित रूप से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको आप आराम से पढ़ के आप फॉर्म को भर दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईच कैरिंग वन मार्क, मतलब कुल मिला के 150 प्रश्न वहां पर होंगे और सभी प्रश्नों का जो अंक होगा वो 1 अंक का होगा, मतलब सभी प्रश्न होंगे 1 अंक के होंगे और कोई भी माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। पेपर वन जो होता है अगर इसे आप क्वालिफाई करेंगे तो आप 1-5 के लिए टीचर बनने की योग्यता प्राप्त कर पाएंगे, गारंटी नहीं होती है, बस योग्यता ही मिलता है, एक सर्टिफिकेट होता है। और पेपर टू अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आगे चलकर 6-8 में आप टीचर बनने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। हालांकि आगे चलकर कुछ जगह पर TGT और PGT के लिए भी पेपर टू मांगा जाता है। तो हालांकि इसमें जो सिलेबस है उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं है। पेपर वन यानी कि कक्षा 1-5 के लिए जो एग्जाम होना है प्राइमरी स्टेज का, तो उसमें कुल मिला के 150 प्रश्न होते हैं और उसमें 5 खंड होते हैं। पहला खंड होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का, ये कंपलसरी होता है सबके लिए।
30 एमसीक्यूज इसमें होते हैं 30 नंबर के, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू ये आप चुनते हैं नीचे दी गई भाषाओं में से, जो भी भाषा आपको समझ में आती है इनमें से दो भाषाएं जिसमें आपको दक्षता प्राप्त हो उसको आप चुन लीजिएगा, और उसके बाद दोनों में 30-30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 30-30 अंक के। मैथमेटिक्स भी आपसे पूछी जाती है कक्षा 8 तक की, तो 30 प्रश्न इसमें से होंगे, और एनवायरमेंटल स्टडीज से भी 30 प्रश्न होते हैं। तो कुल मिला के 150 प्रश्न 150 अंक की परीक्षा होती है, तो 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। तो अगर पेपर टू के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो पेपर टू है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी ये कंपलसरी होता है, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू ये अपनी सुविधा के अनुसार चुनते हैं। ध्यान इस बात का दीजिएगा कि दोनों लैंग्वेज एक ही नहीं हो सकती है, दोनों लैंग्वेज आपको दो चुनना पड़ता है। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस के कुल 60 प्रश्नों को हल करना पड़ता है, और अगर आप आर्ट साइड के हैं तो आपको सोशल स्टडीज और सोशल साइंस के 60 प्रश्नों को हल करना पड़ता है, दोनों में से कोई भी एक आपको ऑप्ट करना होगा। कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे 150 अंक के, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स जो रिजल्ट जारी होता है तो उसके बारे में बात करें तो 60% यानी कि 90 अंक अगर आप प्राप्त करते हैं तो आप पास आउट माने जाएंगे, और इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के हैं तो वो 82 मार्क पर ही पास माने जाते हैं, और आपके डिजी लॉकर में आपकी मार्कशीट भी आती है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सीटेट जिस दिन जारी होता है परिणाम उस दिन से, मतलब जिस दिन आपकी मार्कशीट जारी होगी उस दिन से लेकर 7 साल तक के लिए वैध माना जाता है। अब एक बात और भी है कि मान लीजिए आपका सीटेट में नंबर कम आया है और अगली बार उसे आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, आप कितनी भी बार परीक्षा में क्वालिफाई कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लीजिए इस अटेम्प्ट में आप परीक्षा क्वालिफाई कर लिए अगले अटेम्प्ट में आप फेल हो गए तो कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो डिजी लॉकर में ही भेजा जाता है, पहले ये बाई पोस्ट आपके घर तक आता था लेकिन अब इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, वो डिजी लॉकर में आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को भेज देता है, आप वहां से जाकर इसका प्रिंट आउट लेके लेमिनेशन वगैरह करवा के अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। और एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे उसी मोबाइल नंबर से अगर डिजी लॉकर बनेगा तो आसानी से आप डाउनलोड कर लेंगे, अदरवाइज कभी कभी मैंने देखा है कि इसमें प्रॉब्लम भी होती है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और ये सारी चीजें आपको फॉर्म को भरने से पहले जरूर पता होनी चाहिए थी, और इसीलिए मैंने इस पर नोटिफिकेशन का एक छोटा सा संक्षिप्त एनालिसिस आपके लिए पेश किया ताकि आपसे फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो, ठीक है। और बाकी की अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सीटेट के लिए यह चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाती है, हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हमारे बहुत सारे एस्पायरेंट बहुत ही अच्छे अंकों से क्वालिफाई किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।